पुलिस ने लूट की वारदातों का किया है खुलासा, चार अभियुक्त किए हैं गिरफ्तार। हनुमानगढ़ कस्बे व आसपास क्षेत्र में हो रही लूटपाट व छीना झपटी की वारदातों के मद्देनज़र हनुमानगढ़ जंक्शन थाने के द्वारा टीमें गठित कर प्रयास शुरू किए गए थे तथा मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल की मदद से पूर्व में बदमाश प्रवृत्ति के चार लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए मोनू उर्फ जितेंद्र, सुरेशिया मुकेश, ये भी सुरेशिया है, मान सिंह उर्फ डीसी, लक्ष्मण सिंह पिता का नाम, वार्ड नंबर 58 सुरेशिया, संदीप पुत्र कान्हा राम 59 सुरेशिया बेपर्दा, इनको गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान बदमाश प्रवृत्ति के हैं, वह लूट डकैती मोबाइल छीनने आदि की वारदातें करने के आदि हैं और इन्होंने दो मोटरसाइकिल भी चुराए थे जिसको जब्त किया गया है। जंक्शन थाने के अंदर हनुमानगढ़ एसपी राशि डोगरा के द्वारा पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए जानकारी दी है। 10 दिनों में हनुमानगढ़ जंक्शन और सदर में 3 अलग अलग वारदातें हुई जिनका करने का वारदात का तरीका एक ही प्रकार का था। 2 वारदातें तो मोटरसाइकिल छीनने की हुई जिनमें 3 व्यक्ति थे और 1 वारदात हुई कि ट्रक ड्राइवर जो ट्रक में सो रहा था उससे साथ मारपीट करके उसका पैसा और मोबाइल छीन लिया गया। इन तीनों ही वारदातों में 3 लड़कों के नाम आ रहे थे। मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी है कि मेरी सिटी की पूरी टीम ने मिलकर SHO सदर, SHO जंक्शन, CO साहब, एडिशनल साहब जो टीम थी उन्होंने पूरी पहले भी जो इस तरह की वारदात कर चुके हैं उन मुलजिमों से पूछताछ करके और गहनता से जांच करके 4 लड़कों को पकड़ा है जो तीनों वारदातों में थे। दोनों वारदातों में एक एक लड़का अलग था तो टोटल 4 मुलजिम हैं जिनको अब तो कार्रवाई शिनाख्ती और वो चीजें बाकी की जाएंगी। हाँ, इनमें से तीन लड़कों के खिलाफ 2 मुकदमे हैं सदर और जंक्शन में। पूर्व में भी इसी तरह के मॉडस ऑपरेंडी के 2 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बताएंगे कि इन 3-4 मुलजिमों के द्वारा किन किन व्यक्तियों के साथ लूटपाट और मारपीट व छीना झपटी की गई। 10 मई को विजय कुमार के साथ रात्रि को 11:30 बजे बाईपास रोड पर ट्रक पर सोते हुए 3 अज्ञात मुलजिमों ने मारपीट कर 20,000 रुपये छीन लिए थे। इसी प्रकार महेंद्र प्रताप के साथ घटना घटी थी 27 मई को 9 PM पर बाईपास रोड पर। इन तीनों अज्ञात मुलजिमानों ने मारपीट कर मोटरसाइकिल छीन लिया, मोबाइल छीन लिया था। इसी प्रकार सतपाल सिंह के साथ भी घटना घटी थी 18 मई को झंडावाड़ी के पास अज्ञात 3 मुलजिमों के द्वारा मारपीट कर मोटरसाइकिल छीन कर ले गए थे। यानी ये मुलजिमान जो है आदि हैं अपराध करने के और इनके द्वारा मोटरसाइकिल छीनना और मोबाइल छीनना ऐसी घटनाएं जो लगातार कर रहे थे। पुलिस इन पर नज़र रखे हुई थी और इनको पकड़ा गया है और आगे भी इनसे खुलासे होंगे, तफ्तीश इनकी जारी है। और इस कार्रवाई के दौरान लालचंद और मनीष हेड कांस्टेबल, रमेश हरजीत सिंह और इंदिरा देवी लालचंद और लालचंद हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह, चालक सुरेंद्र सिंह का अहम भूमिका इसमें रही है इनको पकड़ने में और इनकी तलाश करने में। अब आगे और भी खुलासे पुलिस के द्वारा इनसे पूछताछ करने के बाद हो सकते हैं और कईयों के साथ जो लूटपाट और मुकदमे दर्ज हैं इसमें भी इनकी शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह तो पुलिस जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इनके द्वारा और कौन कौन सी घटनाओं को हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर अंजाम दिया है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी।